आज हमने दोनों गाड़ियां चला ली हैं, दोनों मतलब एलिवेट में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में जो सीवीटी आता है, हमने दोनों वेरिएंट चला ली हैं, हर लिहाज से टेस्ट कर ली भैया, ऐसे ऐसे करके भी चला ली गाड़ी, आप लोगों के लिए क्या क्या किया, कैसे कैसे करके, ऐसे 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 करके भी चला ली गाड़ी, लट्टू की तरह घुमा ली। क्रेटा सेल्टोस से बहुत बेटर है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। व्यूअर्स कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बुक करा रखी है एंड वो वीडियो का वेट कर रहे थे, कुछ ऐसे हैं जो बुक कराने की सोच रहे थे, दोनों को जवाब मिलेगा, सारे आपके सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मेरा नाम है दक्ष और आज हम दोनों रखेंगे अपना पक्ष। दोस्तों आज फाइनली हमने जो है होंडा की एलिवेट गाड़ी चला लिया। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसका ड्राइव रिव्यू लाओ, फाइनली गाड़ी जो है हमने चला ली है, ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों के अंदर चला लिया, दोनों का आज आपको हम ड्राइव रिव्यू क्लियरली बता देंगे, आज सारे आपको अपने सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे। यस और नो, लेनी चाहिए या नहीं, क्यों लेनी चाहिए, क्या सेल्टोस, क्रेटा, टाइगुन, कुशाक के ऊपर मतलब उनको छोड़कर होंडा की एलिवेट गाड़ी आपके लिए वर्थ साबित हो सकती है या नहीं, सारी बातें आज करेंगे। आज उस गाड़ी का लॉन्च भी है, 4 बजे था, हम लॉन्च पे भी गए, हमने गाड़ी भी चलाई, बहुत ही मजा आया। तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे होंडा एलिवेट कर, जैसे दक्ष ने बताया कि हमने ड्राइव ले ली है, अच्छी खासी चलाई है हमने, ऐसा नहीं कि एक आधा राउंड ले लिया, अच्छी खासी रज के चलाई है। दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं, भाई साहब पहले एक काम करो, आप ड्राइव रिव्यू ही देख लो, उसके बाद मैनुअल का भी और ऑटोमेटिक का भी दोनों का ड्राइव रिव्यू देख लो, और गाड़ियों को पूरा रगड़ लिया हमने, पूरा उसका भूत निकाल लिया, अच्छी खासी टू जेड जो है एक चीज चेक की गई, आपको नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजें बताई जाएंगी इस वीडियो के अंदर। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मेरे को सही जगह पे लगा, इनकी ऑफ रोडिंग भी पता चल रही है, सस्पेंशन देख सेटअप कितना जबरदस्त था भाई साहब, 220 के ग्राउंड क्लियरेंस है, ऊपर तक झटके आए ही रहे जी। कैसी मैनुअल में क्या स्वाद है? वैसे तो देख स्मूथ चल रहा है, लेकिन अगर आप ज्यादा इसको रेव कर रहे हो ना तो पता चल रहा है कि फिर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। माइलेज क्या क्लेम कर रही है कंपनी? मैनुअल में 16 है। सिटी की? हाँ। नहीं, AR I। अच्छा AR I। AR I 16 आई है सर। विजिबिलिटी बहुत शानदार है गाड़ी की, बोनट पूरा विजिबल है, कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही इसके अंदर, सब चीजें रीच में है, गियर क्लच भी बहुत सॉफ्ट है, बस बहुत ये है कि जैसे मैंने ये खींची है ना तो थोड़ा सा जोर पड़ता है, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की वो एक अपनी नेचर है। चाहिए देख मैं रेव करने लगा हूँ इसको, भाई बॉडी रोल नाम की चीज ही नहीं नजर आ रही है, क्लियरेंस के बावजूद इम्पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल चीज है, पता नहीं होंडा ही कर सकती थी, यही चीज देखनी थी कि 220 की ग्राउंड क्लियरेंस, ये तो पॉसिबल सुनने में ये इम्पॉसिबल सा लग रहा है कि इतनी ज्यादा, बहुत ही वेल कंट्रोल, थार जितनी ऊंची गाड़ी कहीं पे भी पावर लैग नहीं है गाड़ी के अंदर। स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है? स्टीयरिंग फीडबैक लाजवाब है, सिटी जैसा ही है, सिटी से बेटर ही लग रहा मुझे इसका स्टीयरिंग फीडबैक। इसकी स्पीड 160 पे लॉक की हुई है, क्या रीजन है? रीजन सर वही अभी तो बताया नहीं हमें, 20 आपको मैं बताऊं क्या रीजन है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 220 जी, पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब जैसे ये ओवरटेक्स लेने हैं ना, ये वो कॉन्फिडेंस नहीं है पावर वाइज जो है वो बिकॉज ऑफ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत लाजवाब है, लाइट के साथ साथ प्रिसाइजली जितना वेट होना चाहिए स्टीयरिंग पे उतना ही वेट है, स्पेस अच्छी है पीछे अंकल, सेकंड गियर पे आप थोड़ा ज्यादा रेव कर सकते हो। क्रेटा सेल्टोस से कैसी लग रही है ये? क्रेटा सेल्टोस से बहुत बेटर है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, डेड पैडल नहीं है गाड़ी के अंदर, जो बहुत बड़ी कमी लग रही है मुझे, बाहर की आवाज भी कम आ रही है, थोड़ा सा कहीं कहीं डिले आ रहा है स्टीयरिंग में भी, ऐसे मोड पे लग रहा है कहीं कहीं बीच में लगा, जैसे स्टीयरिंग की कनेक्टिविटी ना छूटी है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी कहीं पे भी कोई मुश्किल नहीं हो रही ना विजिबिलिटी में। ऑटोमेटिक है ना, सीवीटी, इंटीरियर तो दोनों का सेम ही है,
देख अगर ईज देखे ना बंदा तो ऑटोमेटिक बढ़िया, बट अगर वो देखे ड्राइविंग एंथुसियास्ट बंदा थोड़ा पंच चाहिए, पंच चाहिए तो फिर मैनुअल बहुत बढ़िया। सीवीटी तो वैसे ही काम कर रहा है लेकिन रबड़ा बन इफेक्ट थोड़ा सा कम है इसके अंदर, जैसा होंडा सिटी में था कुछ ट्यूनिंग की है इन्होंने। एसी भी काफी बढ़िया है, बढ़िया रिस्पॉन्सिव है, बल्कि उसके अंदर आपके दिल को दर्द होता है जब आप हाई आरपीएम पे पहुंचते हो, इसके अंदर ये अपने आप ट्यून हुई हुई है कि कितनी चाहिए कितनी नहीं। थोड़ा शोर भी कम है, शोर मचा रहा है इंजन, रिस्पॉन्स पूरा दिया लेकिन इंजन ने पूरी जान लगा दी अपनी, हाई आरपीएम पे चली यार। इनसे बहुत बेटर है सेल्टॉस क्रेटा वगैरह से राइड क्वालिटी में, अगर स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी के अंदर विजिबिलिटी हर एक चीज जो है, और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा सेफ है ये। तो देखो भाई अभी लोगों ने ड्राइव रिव्यू देखा, ये तो देखो क्या होता है कि जब सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं तो आप सारी बातें दिल की नहीं बोल पाते, खुल की नहीं बोल सकते हो, लेकिन फिर भी काफी हद तक चीजें बताई हैं उसमें। काम है लोगों को सच बताना, सच्चाई बताना, चाहे वो कड़वी हो चाहे वो मीठी हो, जैसे भी हो लोगों को सच्चाई बताना। पहले नेगेटिव से शुरू करें, कैसी लगी? हाँ चलो नेगेटिव से शुरू करते हैं। देख पहले तो जो तूने पूछा कि गाड़ी कैसी लगी, गाड़ी अच्छी लगी, प्राइसिंग थम्स अप, ओवरऑल लुक्स लाजवाब, सिटिंग कंफर्ट लाजवाब। अब पहले हम शुरू करते हैं नेगेटिव से। सबसे पहला नेगेटिव जो पुश स्टार्ट है उसका, वो बड़ी गलत जगह पे दे रखा है, जो इंडिकेटर है उसके बिल्कुल पीछे दे रखा है, आपकी उंगली अटकती है उसमें, वहां तक पहुंचते थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है वो। दूसरा नेगेटिव, डेड पेडल नहीं है गाड़ी के अंदर, इतनी प्रीमियम गाड़ी होने के बावजूद भी जो सीट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है गाड़ी के अंदर, ठीक है। हैंड ब्रेक जो है वो मैनुअल थी उस गाड़ी के अंदर, क्योंकि डिस्क ब्रेक उसमें दो है। मैं जानता हूं आप क्या जानना चाहते हो, कि ये गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, आप डिसीजन आपका लास्ट तक आपका बन जाएगा, सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज जो मुझे अच्छी लगी, उसका सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है। जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डाउट था, मन में फियर वो था, क्या डाउट था, 220 की जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की, उसके साथ ये कैसे परफॉर्म करेगी, गाड़ी कैसे चलेगी। तो दोस्तों 100 में से 100 नंबर लेके गाड़ी पास होती है, मान गए भाई, होंडा वालों की ट्यूनिंग को मान गए, जो मेरे मन के अंदर शंका थी वो दूर हो गई। गाड़ी के अंदर ना के बराबर बॉडी रोल है, बहुत ही मिनिमल, मतलब ऐसा बॉडी रोल है कि आप महसूस नहीं कर सकते, मतलब खासा नहीं है कुछ भी। बॉडी रोल था लेकिन ऐसा नहीं था, 220 के हिसाब से, ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से बॉडी रोल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इतनी ऊंची गाड़ी चल रही है, बहुत ही वेल कंट्रोल्ड था। स्टेयरिंग फीडबैक, स्टेयरिंग पे प्रॉपर वेट, स्टेयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है गाड़ी का, स्टीयरिंग पे वेट बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत बैलेंस होकर चलती है, गाड़ी चिपक के चलती है, मजा आ गया। राइड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है गाड़ी की, ये तो हैंस के कुछ पॉजिटिव जो है। और भी पॉजिटिव की अगर बात करें तो दोस्तों अंदर एसी बहुत कूलिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की, बहुत ही फील गुड फैक्टर आता है गाड़ी में, चाहे वो जो पीछे बैठते हैं वो भी, आगे आप बैठते हो बहुत ही, मतलब गाड़ी प्रीमियम है, प्रीमियम। ऐसा नहीं कह सकते कि गाड़ी में प्रीमियम टच नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्रैंड विटारा हाई राइडर की, वो गाड़ियां बेशक 22-23 लाख की हैं लेकिन उनका इंटीरियर प्रीमियम नहीं लगता, कहीं से भी नहीं है, वो ऐसा लगता है बलिनो को महंगा कर रखा है। अब बात करते हैं कि मैनुअल के अंदर क्या है, कि जब आप गाड़ी को रेव करने की कोशिश करते हो तो गाड़ी शोर बहुत मचाती है, नॉइजी हो जाती है, ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की एक नेचर भी होती है। अच्छा खासा रेव करा इंजन को, मतलब उसे पूरा रेव किया गया गाड़ी को। हाँ रिस्पांस दे रहा था इंजन, अपनी पावर को जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन बहुत हाई नोट पे जाके, मतलब अगर उस गाड़ी को आपको आपको पिकअप चाहिए था ना, तो आपको छोटे गियर पे काफी ज्यादा रेव करनी पड़ रही थी, तब जाके वो एकदम भाग रही थी। अच्छी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी, पिकअप स्टेबल थी गाड़ी, जो एक फैमिली ओरिएंटेड कस्टमर जो है वो जो ढूंढता वो चीज गाड़ी में प्रॉपर लगी। गाड़ी को चलाते हुए डर लग रहा था, फियर आ रहा था, बिल्कुल भी फियर नहीं आ रहा था। और आप देख सकते हो वीडियो के अंदर मैंने किस हिसाब से कौन कौन सी कंडीशंस में गाड़ी चलाई है, गाड़ी को ट्रैफिक में चलाया, लट्टू की तरह गाड़ी घूम रही थी इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद। स्टीयरिंग फीडबैक लाजवाब है गाड़ी का, कमाल की मिसाइल प्रोडक्ट निकाला है होंडा ने, प्राइसिंग उससे भी ज्यादा मिसाइल, बहुत बढ़िया। अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी ढूंढ रहे हो तो भाई साहब आपकी यहाँ पे आके ना आपकी जो है वो जो कहते हैं ना खोजबीन आपकी खत्म हो जानी चाहिए। पिछले वीडियो में आपको याद होगा मैं बार बार कह रहा था आपको, वेट कर लो, वेट फॉर एलिवेट, वेट फॉर एलिवेट, नाउ वेट इज ओवर,
और वेट वर्क एलिवेट को टेस्ट कर लिया गया, बताई जाएगी एक एक चीज सच इसके अंदर। तो दक्ष मैनुअल के अंदर ठीक ठाक चल रही थी गाड़ी, ड्राइविंग एंथुजियास्ट जो है वो गाड़ी को ले सकते हैं मैनुअल को, ठीक है जी। अब बात करते हैं सीवीटी की, ऑटोमेटिक सीवीटी ज्यादा ईज अगर आप ढूंढ रहे हो कि गाड़ी ड्राइव में इजी हो जाए कंफर्ट रहे तो सीवीटी भी लिया जा सकता। होंडा सिटी का सीवीटी बहुत ही अच्छा, वही सेम है होंडा सिटी वाले, मतलब आप ये समझ लो कि आप एसयूवी की शक्ल में होंडा सिटी चला रहे हो, बस जो ड्राइव क्वालिटी है लगभग लगभग वैसी है। मतलब आप 19 और 21 का फर्क बोल सकते हो दोनों की ड्राइव क्वालिटी में, वो सेडान होने की वजह से थोड़ी और स्टेबल लगती है। ऑटोमेटिक के अंदर भी ठीक ठाक चल रही थी लेकिन मैनुअल ज्यादा बेटर चल रहा था इसका। एक चीज और बतानी मैं भूल गया इसके अंदर कि 160 पे इसकी स्पीड लॉक कर रखी है कंपनी ने। जब मैंने उनसे पूछा कि क्यों लॉक कर रखी है तो उसने बोला सर हाई ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की, तो गाड़ी कल को पलटने का डर ज्यादा हो जाता है। 160 की स्पीड भी दोस्तों कम नहीं होती है, बहुत सोच समझ के स्पीड लॉक की है। 160 की बहुत अनफ स्पीड होती है, टॉप स्पीड 160 है गाड़ी की। तो दोस्तों अब बात आ जाती है कि गाड़ी किनको लेनी चाहिए और किनको नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, जो आप जानना चाहते हो अब उसका जवाब मिल रहा है आपको कि आपने बुकिंग करा रखी है तो भैया ले सकते हो आप गाड़ी। फैमिली ओरिएंटेड फैमिली पर्पस से जो गाड़ी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जो ऑफिस जाने के लिए पर्पस से लेते हैं गाड़ी वो ले सकते हैं, जो शॉफर ड्रिवन जिन्होंने जिनको गाड़ी चाहिए ये वो ले सकते हैं। बिना सिरदर्दी के आपको गाड़ी चाहिए कि टेंशन फ्री में जिंदगी जीऊं अपनी, गाड़ी सिर्फ ए टू बी स्पेस के लिए चाहिए तो आप गाड़ी ले सकते हो। गाड़ी किनको नहीं लेनी चाहिए, ये जो पंजा दबाते ही रॉकेट की तरह स्पीड चाहते हैं ये गाड़ी उनके लिए बिल्कुल नहीं है। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की एक लिमिटेशन होती है, अपने प्राइस के हिसाब से बहुत जस्टिफाइड है। अगला आपका जवाब आपके लिए वो ये है कि क्रेटा सेल्टोस ग्रैंड विटारा और हाई राइडर एस्टर के जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आते हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छा इंजन है ये, बहुत ज्यादा रिफाइंड इंजन है, बहुत ज्यादा स्मूद है, उनसे ज्यादा अच्छी ड्राइव क्वालिटी है इस गाड़ी की, उससे ज्यादा अच्छा प्रिसाइज स्टीयरिंग है इन गाड़ियों का, बहुत अच्छा सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा। क्रेटा सेल्टोस की ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों एलिवेट से भी कम है और उसके बावजूद भी क्रेटा सेल्टोस में ज्यादा बॉडी रोल है एज कम्पेयर टू एलिवेट। एलिवेट में बहुत ही कम ग्राउंड वो बॉडी रोल था अगर हम कंपेयर करें क्रेटा सेल्टोस, वो फिर भी क्रेटा सेल्टोस एस्टर ये तीनों गाड़ियां, ग्रैंड विटारा हाई राइडर फिर स्टेबल है लेकिन ये तीनों गाड़ियां क्रेटा सेल्टोस एस्टर ये अराउंड द कॉर्नर झूले मारती है, झूले मारती है, खासकर एस्टर में बहुत दिक्कत है ये। मैंने हर लिहाज से टेस्ट कर ली भैया, ऐसे ऐसे करके भी चला ली गाड़ी, आप लोगों के लिए क्या क्या किया कैसे कैसे करके ऐसे 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 करके भी चला ली गाड़ी, लट्टू की तरह घुमा ली। तो 10 में से कितने नंबर दोगे गाड़ी? 10 में से 8 नंबर दूंगा मैं ड्राइव क्वालिटी को। दो नंबर किस चीज के कटोगे? एक थोड़ा सा स्टीयरिंग में डिले था जो कहीं कहीं पे महसूस हुआ, जैसे कि शार्प टर्न्स के अंदर मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा रिस्पांस लेट आया। बाकी कंपनी की गाड़ियों से क्रेटा सेल्टोस और ये जितनी भी और गाड़ियां आ रही हैं एमजी वगैरह उनसे स्टीयरिंग बहुत अच्छा है गाड़ी का। दूसरी जो मुझे कमी लगी कि भैया बहुत ज्यादा रेस देने पे एक्सीलेटर देने पे गाड़ी रेव हो रही है, तो ये एक मुझे थोड़ा सा नेगेटिव नजर आता है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको कहीं ना कहीं ज्यादा रेव करनी पड़ती है, ज्यादा रेव करनी, तो इसलिए मैंने काटे हैं दो नंबर। सबसे बड़ा सवाल जो बहुत से लोग जिसका वेट कर रहे हैं, टाइगुन कुशाक के 1 लीटर TSI से कैसी है ये? भैया टाइगुन कुशाक का 1 लीटर TSI ज्यादा बेटर इंजन है परफॉर्मेंस वाइज, परफॉर्मेंस वाइज हम कह रहे हैं ये रिफाइनमेंट वाइज बहुत अच्छा है होंडा का इंजन, वो परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है। वो कार को फन टू ड्राइव एलिमेंट के लिए चलाना चाहते हैं उनके लिए तो भैया टाइगुन कुशाक बहुत बढ़िया चॉइस है, लेकिन अगर आप बिना सिरदर्दी के रिलैक्स होके ड्राइव करना चाहते हो तो आपकी सर्च खत्म हो जानी चाहिए होंडा एलिवेट को। अगर बुक कर रहे हो तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, बिल्कुल सही डिसीजन, बिल्कुल आपका सही डिसीजन है, आप बिल्कुल गाड़ी वो ले सकते हो। मतलब फॉक्सवैगन 20 लाख रुपए की ऑडी है तो भाई होंडा 20 लाख रुपए की मर्सिडीज है, उसमें उस लेवल का कंफर्ट, उस लेवल की शॉफर, मतलब उस लेवल की है वो गाड़ी। एक रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आप टाइगुन को शार्क प्लान कर रहे हो तो जो हमारी पहली रिकमेंडेशन रहेगी वो ये रहेगी कि 1.5 ही लेना, 1 लीटर लेना ना लेना आपकी मर्जी है, 1 लीटर के ऊपर जो है हम होंडा एलिवेट को प्रेफर करेंगे कि 1 लीटर ले रहे हो तो होंडा की एलिवेट लेना, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी भैया सीधी सी बात, ड्राइविंग का कुछ ज्यादा ही कीड़ा ना आप में तो फिर आप VW स्कोडा की गाड़ी ले लेना, दोनों गाड़ियां चलाओ आप डिसीजन लो, वो फन टू ड्राइव एलिमेंट उस गाड़ी में ज्यादा है, इसके अंदर कम्फर्ट लेवल बहुत अच्छा है गाड़ी के अंदर,
बढ़िया गाड़ी लगी यार, पास है, मतलब पास विद फ्लाइंग कलर्स। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, वीडियो देख लेते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बनाया जाता है, बड़ी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, सब्सक्राइब कर लो यार, नीचे है सब्सक्राइब बटन, पहले सब्सक्राइब करो जल्दी से। और आप किस किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार। आप किसी गाड़ी के डिसीजन में फंस गए हो, आपसे समझ नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी लेनी है, तो हमें मेल कर आप सकते मेल है। कर सकते हो, दक्ष की मेल आईडी चैनल में दी हुई है, और डायरेक्ट हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप लोगों के लिए हम बैठे हैं। तो जिन लोगों ने भी की है बुकिंग, निश्चिंत हो जाए, गो अहेड, गाड़ी पास है बिल्कुल। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच।